तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। ये ओई अष्टमी का ही मतलब व्लॉग है। तो यहाँ पे आज है ना वॉइस ओवर कम करूँगी मैं वीडियो में, जो रियल है वो ही सब कुछ दिखाऊँगी। तो रियल तो डेली ही दिखाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि वॉइस ओवर कम करूँगी। तो यहाँ पे बस आगे पूरी प्लेट कैसे आया, चल प्रभु जी आ जा लिया। ए न्यान न्या मैं कर लूंगा। क्या चांद निकलना चाहिए ना, तारा निकलना यार, अभी तो तारा ही नहीं निकला। मैं मम्मा से क्या कह रहा कि मेरे भी पैर धो के तुम पियोगे पानी। इनका शौक लगा कि हमारी पैर धो के पता है ना, मैं स्कूल से खाना खा लिया होगा ना। ले लाला स्कूल से तो ना खाना खा लिया होगा, तू से भी आके खाना खा लिया होगा स्कूल से आके। चल तो आँख में चुभ रहा है। चलो इसकी थाली ले, इसको ढक्कर रख दूंगी। नहीं मम्मा चलो ऊपर, तारा निकले आया। हाँ तो वो थाली तो ले, इसको ढक्कर रख दूंगी। ये वाला नहीं है, वो ये वाला है। रौनक ने कही थी ये वाला भी है इसमें। कौन गया? रौनक ने कही है। हाँ ऑरेंज साड़ी देख लो, ये देखो ये रहा। चलो आ जा, चल आ जा। ये देखो ये रहा, दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखो ये रहा, पाए बढ़ा दी लाली, पाए एक दीपक नहीं जल रहा उस पे, देख रही हो? ला मुझे दे दे, मैं जलाऊं। मैं पकड़ूं। गाइस बताऊं कि मेरे को मतलब तारे तो सही टाइम पे निकल आए थे, और लेकिन मेरे को लेट हो गया था क्योंकि खाना तो मेरा बन गया था लेकिन पूजा में ही टाइम लग जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ लव बोल रहा था कि माँ मेरे को है ना ट्यूशन जाना है, क्योंकि उसका 6 बजे का 6:30 का टाइम है ना, मतलब 6 का टाइम है, 6:45 पे निकल जाता वो, और पूजा का भी वही टाइम था। तो मैंने कहा नहीं अब तो नहीं जाने दूंगी, और फिर मेरे को टाइम भी लग जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूजा करने मुझे टाइम लगता है। तो बस तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि यहाँ पे पूजा कर लिया, और अपने सभी माओं ने ऐसे ही की होगी पूजा, सबकी पूजा सेम ही होती है, बस सबकी अपनी अपनी जगह के रीति रिवाज थोड़े अलग होते हैं। वरना ये है कि मन के भाव तो माओं की तो सबके एक समान ही होते हैं। हर माँ अपने बच्चों के लिए जो मांगती है वही मैंने भी मांगा है। तो यहाँ पे बस पूजा हो गई थी, और बच्चे तो इतने मतलब खुश हो रहे थे कि उनको अब ये समझो कि गाइस बच्चे जब छोटे थे तब तो उनको पता ही नहीं रहता, लेकिन अब वो समझने लगे हैं कि करवा चौथ भी मतलब पापा के लिए रखा जाता है, और हुई अष्टमी का व्रत है वो हमारे लिए रखा जाता है। तो वो सेम वैसे ही सोच रहे थे कि जो मतलब कि पापा को जितनी मतलब मान सम्मान मिलेगा वो मिलता है, वो हमें भी आज मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि यहाँ पे तुलसा जी की भी पूजा कर लेंगे। तुलसा जी
सबको भी तिलक चंदन सब लगाऊंगी मैं, और चूड़ियाँ पहनाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि हमारे मायके में, यानी कि मेरे मायके में आगरा में, तो जैसे कि करवा चौथ की कहानी के सुनने के बाद में मंदिर पर जाते हैं, गौर माता को मंदिर ले जाते हैं, वहीं पर बिठा के आते हैं जो हमारा मंदिर है, और वहीं पे सब लोग जितनी भी बहुएं होती हैं सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के जो पैर छूते हैं आशीर्वाद लेते हैं, वो होता है मेरे मायके में। यहाँ हमारे यहाँ तो बस ओनली घर ही घर में ही पूजा होती है, और बाकी तो ये है कि अपने घर के जितने भी बड़े होते हैं सब लोगों को आप पैर छू सकते हैं। और यहाँ पे गाइस फिर जो बायना निकाला था ना, वो फिर वो मैं अपनी जेठानी जी को दे दूँगी। तो गाइज मैं बताऊं कि बच्चे लोग बोल रहे हैं पूजा हो चुकी है, गाइज मैं बताऊं पूजा हो गई है, और लपसुर भी बोल रहे हैं, लपसुर भी दोनों नहीं बोल रहे, दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तुम दोनों ने बोला है कि माँ क्या हो गया, तो लपसुर भी बोल रहे हैं, कल सुरभि का कहने का था कि आज माँ हमारे भी पैरों को धो के पिएंगी, उस दिन डैडू के पिए थे तो हमारे भी पैर धो के पिएंगी। मन का ऐसा नहीं होता है वो पति के लिए होता है। हाँ पानी तुम पिला देना मेरे को, तुम पानी पिलाओगे तभी मैं व्रत खोलूंगी। इनको भूख लग रही थी गाइस, बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि लेट तो ही गया, क्योंकि पार्लर पे भी है ना चलता रहता है काम, और किचन का तो मैं आज 3 बजे तक तो मैंने किचन की क्लीनिंग में भी लगी रही थी, अब किचन की पूरी हो गई गाइस मैं बताऊँ। तो यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे हैं गाइस मैं बताऊँ, और ये वाली थाली आई है रौनक के घर से, ये वाली थाली रौनक के घर से आई है गाइस मैं बताऊँ। गौ माता को भी खिला दिया गौ माता, और आज थर्सडे था गाइस, तो मतलब कि दोनों व्रत हो गए मेरे, थर्सडे का भी हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतनी खुशी होती है मेरे को, विष्णु भगवान दोनों व्रत हो गए मेरे, कैलेंडर में विष्णु भगवान भी मिल गए, विष्णु भगवान भी है कैलेंडर में, दोनों हाथ लगा लो ना, पहले मैं करूंगा अकेले, मैं कर लूंगा, फिर दोनों हाथ लगा, कद्दे कद्दे दोनों हाथ लगा लो, इन दोनों की तो गाइस ऐसे ड्रामा चल रहा है, और दोनों बहन भाई हाथ लगा, मैं करूंगा अकेले, नहीं ऐसे नहीं होता, मैं करूंगा, आ जा जल्दी आ जल्दी, इससे पिछली बार भी किया था, तू कर ले अंदर से, तो फिर तेरा पूरा फुला दिया पूरा, शर्ट में कर दूंगा, हाथ लगा लेना, हाथ लगा ले, हाथ लगा लेना, नहीं मैं भी लगाऊंगी, बनाओ तो सही पानी खींचे जाएगा पानी, अब मैं पिलाऊंगा, अब तो पिला दूंगा। तो गाइस कितना टाइम हो रहा होगा, 10:30 से 11 बज रहे हैं, और लबकी पापा, ओ इतनी सारी पूड़ी कितनी रखी है, 4 पूड़ी रख पहले, तो लबकी पापा तो निकल गए रीको के लिए, पहुंच गए, मम्मी ने खाना खा लिया है, 4 पूड़ी रख अभी फिलहाल, बस 4 ही रख, और वो भी तो पूड़ी है अभी, और तो गाइस बस मैं खाना खाऊंगी, लब मेरे साथ बैठा हुआ है, लब ने खाना खा लिया लेकिन वो मेरे साथ खाएगा, और आ जा बेटा मेरा पेट फुल हो रहा, कोई बात नहीं है, एक पुआ खा ले मेरे हाथ से, और आज है ना मैं बताऊंगा इस, आज सुरभि को भेज दिया है लव ने, तो गाइस मुझे कहोगी हमारी दिवाली की छुट्टी पड़ चुकी है, तो गाइस और आप भी खाना खा लीजिए, ये लीजिए, लव के पापा खा चुके हैं, दिवाली की छुट्टी तो पड़ चुकी है लेकिन, है ना, और यहाँ पे हलवा बनाया गाइस, कब कल स्कूल में हमें ना, मतलब 8 बजे जा रहा है स्कूल। गाइस मैं बताऊं कि खाना वाकई में ही भगवान का भोग, माता रानी का भोग इतना बढ़िया स्वादिष्ट बना था, मतलब मम्मी को, लबके पापा को, बच्चों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं वीडियो का एंड करूँगी, और सभी को अभिष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।